देर इज नो कंडक्शन टेक प्लेस, यानी कि वी आर कंसिडरिंग कि द कंडक्शन हीट ट्रांसफर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एंड द रेडिएशन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। रेडिएशन इज ऑल्सो नेग्लिजिबल, तो दिस इक्वेशन बिकम्स ए सिमिलर इक्वेशन, यानी दिस इज सेम एज अ वेट बल्ब टेम्परेचर रिलेशनशिप विच वी हैव डिस्कस्ड इन द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, है ना। अब दिस रिलेशनशिप हेयर, दिस टू टर्म यानी एच सी एंड के वाई फॉर द डिफरेंट केस देयर वैल्यू वी विल इवेल्युएट बाई डिफरेंट कोरिलेशंस, है ना। तो जैसे कि देयर इज दिस एच सी एंड के वाई, दीज टू आर फाइंड आउट विद फॉर डिफरेंट केसेस, यानी फर्स्ट केस है फॉर फ्लो ऑफ गैस पैरेलल टू द सर्फेस, यानी कि द सॉलिड कंटेंट इज दिस एंड ओवर दिस सर्फेस द गैस इज फ्लोइंग एंड दिस इज पैरेलल टू दिस सर्फेस, है ना, एंड कन्फाइंड बिटवीन पैरेलल प्लेट, मतलब दिस इज द केस, यानी कि दिस इज अ क्लोज चैनल, है ना, इन विच सॉलिड कंटेंट इज प्लेस, जैसे इज इन द ड्रायर, दिस इज अ क्लोज ड्रायर एंड हेयर द फ्लूड इज फ्लोइंग पैरेलली टू द सॉलिड कंटेंट। तो फॉर रेनॉल्ड नंबर 2600 टू 22000 के लिए वी यूज दिस कोरिलेशन टू फाइंड आउट द, देखो जे एच रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर कोफिशियंट एंड जे डी इज द फॉर द मास ट्रांसफर, है ना। तो दिस कोरिलेशन आर यूज, मतलब दिस इज हीट एंड मास ट्रांसफर एनालॉगी, तो ये रिलेशनशिप इज यूज टू फाइंड आउट द एच सी एंड के वाई। अब जैसे वेयर रेनॉल्ड नंबर इज दिस, यू ऑलरेडी नोज कि डी वी रो अपॉन म्यू, है ना, तो वी इन टू रो इज जी, है ना, तो डी ई जी अपॉन म्यू, एंड डी ई क्या है, डी ई इज द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द एयर फ्लो स्पेस, यानी कि ये स्पेस का इक्विवेलेंट डायमीटर, तो इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ दिस, क्योंकि मे बी यू इफ यू हैव सीन द ट्रे सिंपल ट्रे ड्रायर, तो ट्रे ड्रायर में द क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन वी विल फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर दिस, तो वी फाइंड आउट द इक्विवेलेंट डायमीटर। तो इफ द ड्रायर इज अ सिलेंड्रिकल और एनी अदर शेप, देन वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट डायमीटर सिमिलरली एज यू कैलकुलेटेड फॉर द मास ट्रांसफर एंड द हीट ट्रांसफर केस, क्योंकि दीज टू आर डिफरेंट, इक्विवेलेंट डायमीटर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द मास ट्रांसफर केस, तो दिस इज डिफरेंट, एंड इफ यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द मास ट्रांसफर केस, यानी हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर केस, तो बोथ आर द डिफरेंट, यू है ना, तो फॉर दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट डायमीटर, है ना। तो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड द एच सी यू कैन डायरेक्टली इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उस केस में देन यू कैन फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट विद द हेल्प ऑफ दिस कोरिलेशन, है ना। फॉर ड्राइंग ऑफ सैंड यानी स्पेसिफिक पर्पज, यानी इफ यू आर ड्राइंग द सैंड, देन द एच सी कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ दिस कोरिलेशन। जी इज़ मास वेलोसिटी योर, है ना, ये दिस इज रो इनटू म्यू, रो इनटू वी, ठीक है। ये एक्सक्यूज मी, हेलो, हाँ पे ठीक है, देख लेंगे वैसे बात कर देंगे, ठीक है। तो ये दिस रिलेशनशिप आर यूज्ड, देन एयर फ्लो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, यानी वेन द एयर फ्लो इन दिस डायरेक्शन, है ना, सॉलिड कंटेंट इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली एंड द एयर विल फ्लो परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, एनी वे, लेकिन परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द सॉलिड, देन फॉर दिस मास वेलोसिटी रेंज, यानी मास वेलोसिटी रेंज यानी 1.08 टू 5.04, देन वी यूज दिस कोरिलेशन टू फाइंड आउट द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, है ना, कि एस सी इक्वल टू 24.2 जी की पावर 0.37, तो ये दिस कोरिलेशन आर यूज, देन है ना, एंड के वाई, के वाई जैसे के वाई यू कैन इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ दिस कोरिलेशन सिंपली, है ना, यहां से यू कैन इवेल्युएट द के वाई, यानी के वाई यानी इवेल्युएट द स्किमिट नंबर, है ना, एंड रेनॉल्ड नंबर, ठीक है, एंड देन
find out the k value. Reynolds number you can evaluate with the help of air velocity or gas velocity, and so you can find out this way. And Schmidt number you can calculate, then find out ky. Then parameter which is affecting the drying rate during constant rate drying period. The first one is effect of gas velocity. यानी जो constant period of drying है, यानी this period है ना, ये sorry this is constant, and after that the falling rate, and a falling may be linear, may be non-linear, may be combination of this. Some cases are linear. So this period, any constant rate period, any during this, the effect of gas velocity, when radiation and conduction effects are present, take the effect of gas rate will be less significant. If the radiation and conduction effects are present, तो the gas velocity ka effect, there is a very less effect of the gas velocity. However, when they are negligible, yani when in absence of radiation and conduction effect, then drying rate jo hai, this is proportional to the g to the power 0.71, hai na, mass velocity ki power 0.71 for parallel flow of gas, hai na, this is for parallel flow of gas. लेकिन इफ द गैस इज परपेंडिकुलर तो दिस इज जी टू दी पावर 0.37, यानी एन सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, जी सी की पावर 0.71 आर 0.37, है ना, फॉर टू डिफरेंट केस. तो फर्स्ट केस में फॉर पैरेलल फ्लो के लिए 0.71 एंड सेकंड के लिए, देन इफेक्ट ऑफ गैस टेम्परेचर, यानी इफेक्ट ऑफ गैस टेम्परेचर, increased air temperature. If you increase the air temperature, yani TG, your TG is a, this is suffix in TG, and then this way this is TG, and TG increases the driving force. Because previous turn pe we have discussed ki TG is the gas temperature, hai na, which is flowing over the solid surface, and TS is the temperature of the solid surface. ये सॉलिड सरफेस का टेम्परेचर है, तो दिस इज टी जी. तो ड्राइविंग फोर्स टी जी माइनस टी एस, क्योंकि टी जी हॉट गैस इज एंड दिस इज दिस सॉलिड कंटेन्स द मॉइस्चर, तो देयर टेम्परेचर इज ऑलवेज लोअर, तो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर हीट ट्रांसफर, एंड हेंस एन सी जो होगा, दिस द रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी जी माइनस टी एस, एंड टी एस इज एट द वेट बल्ब टेम्परेचर, मतलब दिस अटेन द वेट बल्ब टेम्परेचर ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट ड्राइंग, यानी कि इस पीरियड में द टेम्परेचर अटेंड बाई द सॉलिड सर्फेस इज अ वेट बल्ब टेम्परेचर, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर जो एयर का होगा वो टेम्परेचर अटेंड बाई द सॉलिड सर्फेस. देन इफेक्ट ऑफ गैस ह्यूमिडिटी, एज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, है ना, एज द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस द ड्राइविंग फोर्स इज दिस, यानी ये क्या, क्योंकि वाई एस इज द ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी ऑफ द सॉलिड सर्फेस, ये है ys, and the humidity of air is y, तो driving force is ys, क्योंकि this is, क्योंकि वो this contains the moisture, तो their humidity is higher than the air, otherwise there is no evaporation, है ना, इसलिए driving force ys minus y, है ना, available for mass transfer, and hence nc जो होगा is proportional to the ys minus y, यानी temperature के term पे nc is proportional to the tg minus ts, and in the mass transfer case nc is proportional to the ys minus y. Then effect of thickness of drying solid, when heat transfer occur through the solid, ठीक है, then nc क्या होगा, this is increases with decrease in solid thickness, है ना, nc increases with decrease in solid thickness. क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि व्हेन द थिकनेस विल बी डिक्रीज, तो इमीडिएट क्या होगा, मॉइस्चर विच इज कंटेंट इन द इंटरनल ऑफ द सॉलिड विल मूव टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड इमीडिएट एज द इवोपरेशन विल टेक प्लेस. तो होगा क्या, फर्स्ट केस में द इवोपरेशन विल टेक प्लेस एट द सरफेस, एज द सरफेस विल ड्राई, तो इमीडिएट द लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन द इंटरनल डिफ्यूज एंड comes
ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड. तो इसलिए अगर थिकनेस लो है देन दिस विल बी फास्ट, इफ द थिकनेस इज हाई देन डिफ्यूजन रेट, क्योंकि उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस विल बी क्रिएटेड ड्यू टू द सॉलिड फॉर डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट. तो इसलिए वो दिस मेक्स द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड. हाउ एवर इफ ड्राइंग अकर्स फ्रॉम ऑल द सर्फेस एंड सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस. ऑल द सर्फेस मीन्स जैसे कि दिस इज द सॉलिड कंटेंट, इफ ड्राइंग द इवोपरेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस सर्फेस ऑल्सो, फ्रॉम दिस सर्फेस ऑल्सो, दिस सर्फेस एंड बॉटम सर्फेस ऑल्सो, ऑल सर्फेस से अगर हो रहा है देन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस, यानी रेट ऑफ ड्राइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ थिकनेस. यानी एनसी जो होगा, एनसी इज अ रेट ऑफ ड्राइंग, अ सी स्टैंड फॉर कॉन्स्टेंट रेट ऑफ ड्राइंग, है ना, इसीलिए सी, अदरवाइज यू कैन राइट एज एन. तो दीज फोर पैरामीटर्स अफेक्टिंग द कॉन्स्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग. देन मॉइस्चर मूवमेंट इन सॉलिड्स. अब हाउ द मॉइस्चर विल मूव इन साइड द सॉलिड, यानी कि वेन द सर्फेस विल बी ड्राई, तो हाउ द मॉइस्चर विल कम्स टू द एक्सटर्नल सर्फेस. तो देयर इज अ डिफरेंट केसेस, यानी कि वेन ड्राइंग टेक प्लेस मॉइस्चर मूव फ्रॉम द इनर कोर टू द एक्सटर्नल सर्फेस एंड इवोपरेट. द नेचर ऑफ मूवमेंट इन्फ्लुएंस द ड्राइंग, है ना, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज यानी करेक्टरिस्टिक्स, तो देयर रेट ऑफ ड्राइंग विल बी डिफरेंट. यानी कि एवरी पार्टिकल मतलब एवरी टाइप ऑफ सॉलिड हैज नॉट अ सेम रेट ऑफ ड्राइंग. यानी कि इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्टिकी मटेरियल, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोलाइडल मटेरियल, और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोरस मटेरियल, तो रेट ऑफ ड्राइंग विल बी डिफरेंट फॉर सेम टेम्परे फॉर सेम कंडीशन. तो ड्राइंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग रेट पीरियड एंड द फॉलोइंग थियरीज हैव बीन प्रपोज्ड. ये फॉर द ड्राइंग ड्यूरिंग द फॉलोइंग रेट पीरियड है ना. तो देयर इज डिफरेंट थियोरीज आर प्रपोज विच एक्सप्लेन द मॉइस्चर मूवमेंट इन द सॉलिड. फर्स्ट जो थियोरी है दिस इज लिक्विड डिफ्यूजन. लिक्विड डिफ्यूजन यानी कि ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द हायर कंसंट्रेशन. हायर कंसंट्रेशन मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर इन द डेप्थ ऑफ द सॉलिड एंड द लो कंसंट्रेशन एट द सर्फेस. लो कंसंट्रेशन एट द सर्फेस वाई, इनिशियली क्या है, इनिशियली द कंसंट्रेशन में भी यूनिफॉर्म, लेकिन वेन द इवोपरेशन विल टेक प्लेस ड्यू टू द हॉट गैस या हॉट एयर, तो द सर्फेस एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द सॉलिड कंटेंट विल बी ड्राई. तो क्या होगा, देयर विल दे क्रिएट द ड्राइविंग फोर्स. तो मॉइस्चर कंटेंट, हायर मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डेप्थ में होगा, और लोअर कंसंट्रेशन एट द सर्फेस. तो मॉइस्चर ड्यू टू दिस मॉइस्चर मूवमेंट विल टेक प्लेस. दिस टाइप ऑफ फिनोमिना जो मोस्टली एग्जिबिटेड इन द सोप, ग्लू, जिलेटिन, टेक्सटाइल एंड पेपर, है ना, यानी टेक्सटाइल, जिलेटिन, ग्लू एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिना विल टेक प्लेस ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट रेट पीरियड. द रेट ऑफ मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम इनर कोर एंड द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सर्फेस बैलेंस ईच अदर, है ना. यानी कि जितना मॉइस्चर विल मूव फ्रॉम इनर कोर टू द आउटर, दिस रेट इज बैलेंस बाय द रेट ऑफ रिमूवल फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्फेस, है ना. सर्फेस से जो भी इवोपरेट हो रहा है देयर रेट एंड द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम इनर इनर पार्ट टू द आउटर सर्फेस, तो वो जो रेट होगा दिस इज बैलेंस. हाउएवर आफ्टर सम टाइम ड्राई स्पॉट्स अपियर ऑन द सर्फेस, है ना, ड्राई स्पॉट्स अपियर ऑन द सर्फेस रिजल्टिंग इन अनसेचुरेटेड सर्फेस ड्राइंग. यानी दिस इज नोन एज अनसेचुरेटेड सर्फेस ड्राइंग. एंड देन द मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम द सॉलिड टेक प्लेस विच इज इंटायरली कंट्रोल्ड बाई द डिफ्यूजन रेट इन द सॉलिड. यानी कि डिफ्यूजन रेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट विद इन द सॉलिड उस पे डिपेंड करेगा दिस अनसेचुरेटेड सर्फेस ड्राइंग. इफ द डिफ्यूजन रेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द सॉलिड, अगर डिफ्यूजन इज ए वेरी फास्ट, तो क्या होगा, इमीडिएट द लिक्विड विल डिफ्यूज एंड कम्स टू द एक्सटर्नल सर्फेस इमीडिएट. लेकिन इफ और दिस विल डिपेंड अपॉन द डिफ्यूजन,
लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो देन वी विल फेस दिस टाइप ऑफ कंडीशन कि अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग. एक्सक्यूज मी, हेलो, ठीक है. देन वेन एवर द कॉन्स्टेंट ड्रेइंग रेट्स आर वेरी हाई द ड्राइंग सब्सटेंस में एग्जिबिट ओनली डिफ्यूजन कंट्रोल्ड, है ना. यानी कॉन्स्टेंट ड्रेइंग रेट वेरी हाई होगा अगर, तो ड्राइंग सब्सटेंस में एग्जिबिट ओनली डिफ्यूजन कंट्रोल फॉलिंग रेट ड्राइंग विच इज शोन इन दिस फिगर. यानी दिस टाइप ऑफ फॉलिंग रेट इन ड्राइंग, यानी दिस इज नॉन लीनियर पैटर्न यू विल गेट डिफ्यूजन, क्योंकि जैसे जैसे डिफ्यूजन होगा उस पर डिपेंड करेगा. देन नेक्स्ट केस है द कैपलरी मूवमेंट, है ना. इन सम ऑफ द पोरस सॉलिड मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर मूव थ्रू द कैपलरीज विच इज क्वाइट सिमिलर टू द बर्निंग ऑफ लैम्प विद विक, है ना. जैसे लैम्प में बर्न लैम्प में बर्निंग होती है, यानी कि एज द बर्निंग विल टेक प्लेस, तो जो लैम्प की विक होती है दिस विल, क्योंकि दिस इज अ पोरस मटेरियल, पोरस विक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज ए कॉटन, तो क्या होगा, दिस इज हाईली पोरस, तो दिस विल सक द फ्लूड, फ्लूड मीन्स ऑयल, एंड देन लिफ्ट द ऑयल. तो कैपलरी एक्शन के कारण दिस विल लिफ्ट द ऑयल एंड अगेन बर्निंग टेक प्लेस. तो वही सेम थिंग हियर इन द पोरस सॉलिड, क्योंकि पोरस सॉलिड कंटेन्स द पोर्स, मतलब दिस इज सेम एज ए कैपलरी. तो दीज कैपलरी एक्सटेंड फ्रॉम वॉटर रिजर्वायर टू द ड्राइंग सर्फेस, है ना. क्योंकि दीज पोर्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर इंटरनली, तो क्या बोले, दिस इज वर्क एज ए रिजर्वायर, वॉटर रिजर्वायर, है ना, यानी मॉइस्चर रिजर्वायर कहना चाहिए. एज द ड्राइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड द मॉइस्चर स्टार्ट मूविंग बाई कैपलरी कैपलरी टू द ड्राइंग सर्फेस एंड मेंटेन ए यूनिफॉर्म वेटेड सर्फेस. यानी इमीडिएट मॉइस्चर विल कम्स टू द सर्फेस फ्रॉम दिस पोर्स एंड मेंटेन द यूनिफॉर्म वेटेड सर्फेस, तो द विच करस्पॉन्ड टू कॉन्स्टेंट ड्रिंक ड्राइंग पीरियड, यानी दिस पार्ट. सब्सिक्वेंटली एयर क्या होगी, रिप्लेसेस द वॉटर एंड द वेटेड एरिया एट द सर्फेस ऑल्सो डिक्रीजेस लीडिंग टू अनसेचुरेटेड सर्फेस ड्राई. यानी कि एज द इवोपरेशन विल टेक प्लेस, तो क्या होगा, क्योंकि दीज कैपलरी, क्योंकि दीज आर द पोरस मटेरियल एंड दिस इज अ कैपलरी, तो कैपलरी जब आएगा तो देन सर्फेस टेंशन टर्म्स विल कम, है ना. यानी कि सर्फेस टेंशन विल कम, इनिशियली क्या होगा, एयर विल नॉट डिफ्यूज दिस पोर्स, क्योंकि सर्फेस टेंशन इज हायर. एज द पोर अप मतलब कहना चाहिए अपर पार्ट ऑफ द पोर विल ड्राई, जब वो ड्राई होगा तो दिस विल रिड्यूस द सर्फेस टेंशन. अब सर्फेस टेंशन, व्हेन दिस विल रिड्यूस द सर्फेस टेंशन, देन दिस विल देन एयर विल डिफ्यूज इन साइड द पोर्स, और एयर को डिफ्यूज करेगा एंड देन comes to the and then this will force to liquid to comes to the upper part of the surface, yani surf up external surface pe, hai na. Yani after some time when the subsurface water also dries up the, then the liquid surface resides into capillaries and water evaporate from there setting in setting falling say, yani ki this case, yani initially kya hoga, the suddenly rate of drying will decrease, yani when the moisture is evaporated from the surface, hai na, kyunki initially kya hoga ki initially the moisture will be evaporated from the surface and some and the liquid which is present in the pores this will come to the surface, when the drying reaches to such condition ki the limited moisture content available in the reservoir of the pores, तो क्या होगा, दिस विल स्टॉप द, यानी कि दिस विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द अपर सरफेस, तो वो स्टॉप कर देगा.
और फिर एयर विल डिफ्यूज, एयर डिफ्यूज तभी करेगी व्हेन द सरफेस टेंशन इनसाइड दिस पोर्स विल बी लोअर, अदरवाइज वो एयर द अदरवाइज दिस वाटर विल रिस्ट्रिक्ट टू एयर टू फ्लो इनसाइड द पोर्स। तो जब वो ऊपर का पार्ट ड्राई होगा देन दिस विल क्रिएट द सक्शन एंड देन लिक्विड विल कम्स। तो ये सेकेंड पार्ट में, फिर अगेन क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट में, जैसे ही वो सक्शन विल क्रिएट तो दिस रेट ऑफ ड्राइंग विल इंक्रीजेस एंड देन फॉल, क्योंकि फिर अगेन दिस विल रीचेस टू द सम कंडीशन कि द मॉइस्चर कंटेंट इज लिमिटेड इन द पोर्स, तो देन दिस विल फॉल, पहले इनिशियली यहाँ पे बढ़ेगा एंड देन डिक्रीज। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस यानी दिस टाइप ऑफ ड्राइंग वी विल सी इन द क्ले, क्योंकि क्ले इज ए हाईली पोरस मटेरियल, देन पेंट्स एंड द पिगमेंट्स, है ना, क्योंकि दीज आर द पोरस मटेरियल। देन नेक्स्ट इज अ वेपर डिफ्यूजन। व्हेन वन सरफेस ऑफ ए वेट सॉलिड इज हीटेड तो अदर सरफेस अलाउ द ड्राइंग टू टेक प्लेस, है ना। व्हेन वन सरफेस ऑफ वेट सॉलिड इज हीटेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, जैसे दिस, है ना, जैसे एयर विल बी फ्लोइंग, हॉट एयर विल बी फ्लोइंग ऑन द सरफेस, तो दिस पोर्शन दिस वेट सॉलिड इज हीटेड एंड द अदर सरफेस अलाउज द ड्राइंग टू टेक प्लेस, द मॉइस्चर गेट वेपराइज्ड, यानी कि जैसे यहाँ से एयर विल पास तो यहाँ से क्या होगा ड्राइंग विल टेक प्लेस, है ना, इनिशियली एट दिस पार्ट ऑफ, जैसे एयर फ्लो होगी तो दिस विल कम्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस सर्फेस तो ड्राइंग विल टेक प्लेस, तो ये क्या होगा दिस मॉइस्चर विल बी इवोपरेटेड, इवोपरेटेड फ्रॉम द दिस पार्ट ऑफ द रीजन, है ना, एंड देन होगा क्या देन देयर टेम्परेचर विल बी लोअर डाउन। तो दिस टेम्परेचर विल बी लोअर, तो क्या होगा दिस पार्ट में इवोपरेशन बिकम्स लोअर, मॉइस्चर गेट वेपराइज फ्रॉम द हॉट सर्फेस एंड डिफ्यूज आउटवर्ड एज ए वेपर फ्रॉम द अदर सर्फेस, तो क्या होगा ये वेपर के फॉर्म में यहाँ पे डिफ्यूज करेगा, विच वेपर्स यानी वेपर के फॉर्म में विच मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन दिस गैस, तो दिस विल डिफ्यूज टू द अदर पार्ट ऑफ द सर्फेस, तो दिस इज नोन एज अ वेपर डिफ्यूजन। देन नेक्स्ट वन इज अ प्रेशर डिफ्यूजन, व्हेन बाउंड मॉइस्चर इज रिमूव्ड, है ना, बाउंड मॉइस्चर, क्योंकि देखो इन द कॉन्स्टेंट रेट पीरियड ऑफ ड्राइंग ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज ए अनबाउंड मॉइस्चर, उसके बाद देयर इज ए बाउंड मॉइस्चर, है ना, तो बाउंड मॉइस्चर, व्हेन बाउंड मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम कोलाइडल नॉन पोरस सॉलिड, यानी कोलाइडल नॉन पोरस सॉलिड, तो इट टेंड्स टू श्रिंक व्हेन द सब्सटेंस इज ड्राइड रैपिडली, है ना, तो जो सॉलिड मटेरियल होगा विच इज प्रेजेंट इन द कोलाइडल दिस विल श्रिंक, द मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस इज रिमूव वेरी क्विकली एंड द मॉइस्चर मूवमेंट फ्रॉम द इनर कोर टू द आउटर सर्फेस विल नॉट बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, है ना, क्योंकि दिस सॉलिड इज ए नॉन पोरस सॉलिड, तो क्या होगा इन इंटरनल पार्ट में, क्योंकि दिस इज नॉन पोरस, तो क्या होगा द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ दिस सॉलिड विल नॉट मूव वेरी फास्टली एज द इवोपरेशन, क्योंकि इवोपरेशन अकर्स वेरी क्विकली बट द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर विच इज प्रेजेंट इन द इनर पार्ट ऑफ द सॉलिड विल नॉट मूव वेरी फास्ट, तो देयर फॉर द रेट विल बी डिफरेंट, कि रेट ऑफ रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सर्फेस विल नॉट इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द इनर कोर टू द आउटर सर्फेस, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इम्परवियस मैम्ब्रेन फॉर्म्स, यानी मैम्ब्रेन फॉर्म, मैम्ब्रेन वो भी किसके, लिक्विड मैम्ब्रेन विल फॉर्म, क्योंकि मैम्ब्रेन, क्योंकि हेयर द सॉलिड कंटेंट एंड द मतलब एंड द सॉलिड कंटेंट विच इज प्रेजेंट इन द कोलाइडल, तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन है दिस विल फॉर्म ए मेम्ब्रेन व्हिच प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एंड द इनर कोर टू द सरफेस, जो भी हो रहा है, क्योंकि जो इंटरनली जो सॉलिड है, जैसे सॉलिड व्हिच इज प्रेजेंट इन हियर, है ना, दिस इज कोलाइडल प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन, तो इंटरनली भी क्या होगा जो सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन वही फिल होगा, है ना, एंड दिस
will form a membrane, one in liquid membrane will form, or this will restrict the moisture content from the inner to the outer. इसका रिमूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा. तो आउटर सरफेस विल बी फुल्ली ड्राई है ना, एंड इनर कोर विल बी वेट. तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ए केस हार्डनिंग. केस हार्डनिंग मीन्स यानी अपर केस विल बी हार्डन, यानी अपर केस ऑफ द सॉलिड यानी सरफेस ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द सॉलिड विल बी हार्ड बिकम हार्ड. अंडर सर्टन कंडीशन द श्रिंकेज ऑफ आउटसाइड लेयर ऑफ सॉलिड मे ऑल्सो स्क्वीज आउट मॉइस्चर टू द सर्फेस. अब क्या होगा, जब हार्ड होगा तो देर विल बी श्रिंकेज है ना, आउटसाइड लेयर की होगी तो दिस विल प्रेस इंटरनली, तो इंटरनली जो मॉइस्चर होगा दिस विल कम आउट टू द आउटर सर्फेस है ना. जैसे देखा होगा ना कि वेन वेन वी प्लेस द या एक्सक्यूज मी अच्छा ठीक है. तो आई विल स्टॉप हेयर. एक्चुअली टुडे इज अ मीटिंग विद वीसी सर, तो आई विल स्टॉप हेयर एंड टुमारो वी विल एंड दिस कोर्स, यानी लास्ट क्लास में टुमारो एट 11 to 12. ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग हेयर.